हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ सपोर्ट में। दोस्तों आज से जो है हम अपना टैली ERP 9 का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली ERP 9 में किस तरह हम कंपनी क्रिएट करते हैं। दोस्तों टैली ERP 9 के बारे में बताने से पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के जो 3 गोल्डन रूल हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला अपना गोल्डन रूल जो है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब प्राप्त करने वाले को हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम किसी से मटेरियल परचेज करते हैं तो हमें उसके नाम को जो है डेबिट करना पड़ेगा और हमारे यहाँ से जो हम उसको पेमेंट करेंगे तो हम अपने कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट शो करेंगे। और सेल के केस में होगा कि हमसे हमारे सप्लायर्स जो पेमेंट आएगी हम उसे अपने कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट दिखाएंगे और जो हमारा सप्लायर होगा जिसे भी हम मटेरियल सेल करते हैं उसके नाम को हम क्रेडिट शो करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे और हम परचेज करेंगे मटेरियल तो हमारे बैंक अकाउंट या कैश जो भी हम पेमेंट करेंगे तो हमसे कैश या बैंक से पेमेंट चला जाएगा तो हम अपने कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट शो करेंगे। वैसे ही सेल के केस में होगा कि हमें सप्लायर से पेमेंट रिसीव होगा तो हम अपना कैश या बैंक अकाउंट डेबिट दिखाएंगे और जो है हमसे मटेरियल जाएगा तो हम सेल को अपनी क्रेडिट शो करेंगे। दोस्तों हमारा तीसरा गोल्डन रूल ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं या जैसे कि सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, इन सभी खर्चों को हमें डेबिट करना पड़ेगा और जो भी हम पेमेंट करेंगे कैश या बैंक के थ्रू उन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इनकम एंड गेन्स की बात कर लेते हैं। जो भी हमें इनकम होगी चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो या जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसे हम क्रेडिट शो करेंगे, क्योंकि जो भी हमें इनकम आएगी वो कैश या बैंक के थ्रू आएगी तो हमारा इस केस में होगा जो एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारी इनकम है उस हम इनकम को अपना क्रेडिट शो करेंगे। तो इन्हीं 3 रूल्स पे हमारा जो है पूरा टैली का जो कोर्स है वो मेंटेन होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन साथ में दिया है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। और जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो उन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं कि टैली में जो है अपना कंपनी किस तरह क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा जो टैली ERP 9 का एजुकेशनल वर्ज़न है उसे आप लोग इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सॉफ्टवेयर आपको tallysolution.com की वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टैली ERP 9 का जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिक शो करेगा। अदरवाइज इन केस आपको ये आइकन नहीं शो करता है तो आप अपना स्टार्ट बटन पे जाइए, स्टार्ट मेनू में। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको tally.erp9 का एक फोल्डर दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है tally.erp9 का इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने tallysolution.com जो tally ERP 9 की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही मैंने इसे डाउनलोड करके अपने जो है लैपटॉप पर इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
हमारा यहाँ नीचे वर्क इन एजुकेशनल मोड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो हमें एरो की का यूज़ करना है और इस ऑप्शन पर आ जाना है, उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करना चाहते हैं तो ऑल्ट डब्लू आपको प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट डब्लू। तो हम सिंपली शॉर्टकट का यूज़ करते हैं ऑल्ट डब्लू, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अभी उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पहला सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिखा रहा है, तो अभी हम नीचे आ जाते हैं एरो की मदद से क्रिएट अ कंपनी पे। अभी हमें जो है अपना कंपनी क्रिएट करना है, तो इसके लिए अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है सी हाइलाइटेड हो रहा है, तो हम सिंपली सी प्रेस कर देंगे, ये शॉर्टकट है इसका। अदरवाइज़ आप एरो की मदद से इस ऑप्शन पर आके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो हम अभी सी प्रेस कर देते हैं, उसके बाद अभी हमारा कंपनी क्रिएशन का जो है फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेम, तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का जो है नेम टाइप करना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ MLS ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ, और उसके बाद आपका यहाँ पे मेलिंग नेम, मेलिंग नेम ये वो नाम होता है दोस्तों जब भी हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे या सेल के इनवॉइस जनरेट करेंगे या बाउचर बनाएंगे या हम किसी पार्टी को अपना स्टेटमेंट देंगे, तो ये वो हर स्टेटमेंट पर हमारा यही नाम शो करेगा। तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें, या अगर आप प्लेस लिखना चाहते हैं अपना तो यहाँ पर इसके आगे आप लिख सकते हैं डैश लगा के। उसके बाद हम एज इट इज़ रहने देते हैं इसे, उसके बाद आपको नीचे अपना एड्रेस आ जाएगा एंटर प्रेस करने के बाद। तो हम अपना यहाँ पे डाल देते हैं वज़ीरपुर दिल्ली, ये हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर अगेन एंटर प्रेस करिए। अभी आपका कंट्री शो कर रहा है, तो आपको यहाँ से इंडिया ही सिलेक्ट है तो इंडिया पे रहने देते हैं। उसके बाद दोबारा एंटर प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में अपना जो है वर्क कर रहे हैं, या आपकी कंपनी जो है किस स्टेट में इस्टेब्लिश है। तो हम यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने डी यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन इस साइड शो कर रहे हैं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और दिल्ली। तो हम एरो की का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें अपना जो है यहाँ पे पिन कोड टाइप करना है, तो हम पिन कोड अपना एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद अगर फैक्स नंबर है कोई आपका तो यहाँ पर आप अपना फैक्स नंबर दे दीजिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अभी हमारा अगला पॉइंट है ईमेल एड्रेस का, तो हम सिंपली अपना ईमेल एड्रेस जो है उसे मेंशन कर देते हैं। ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया हमने, अब उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपना वेबसाइट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक रहने दें। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। अगला ऑप्शन जो आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है, तो दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1/4/2017 से और एंड होता है 31 मार्च 2018 को, ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं 1/4/2017। अभी यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब अगर आप किस महीने में अपनी बुक्स स्टार्ट करें, मतलब जब भी आपने अपनी कंपनी क्रिएट की है, मान लीजिए दिसंबर के महीने में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना दिसंबर का महीना जो है 1/12/2017 टाइप कर सकते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों अगला जो ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल का, मतलब अगर आप कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं,
ये पासवर्ड, उसके बाद रिपीट करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको नो पे रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा बेस करेंसी सिंबल, यहाँ पे रुपी का जो है सिंबल आ रहा है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। फॉर्मल नेम में हो गया INR मतलब इंडियन रुपीस, उसके बाद सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, नो, इसको एज इट इज़ रहने दें। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको भी यस कर दें। उसके बाद सो अमाउंट इन मिलियंस, मतलब अगर आप अपने अमाउंट को मिलियंस में शो करना चाहते हैं तो आप वाई टाइप कर दें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज़ रहने दें। वाई टाइप करेंगे तो आपका यस का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, वाई, जैसे ही मैंने वाई टाइप किया आप यहाँ देख सकते हैं जो है यस आ गया। अभी मैं नो के लिए एन टाइप करूँगा तो मैं इसे नो कर देता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद यहाँ पे टू शो कर रहा है तो यहाँ पे टू एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, ये रुपीस के बाद जो पैसा शो करता है वो आएगा यहाँ पर, तो इसे पैसे रहने दें। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, ये टू में रहने दें और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको यस और नो दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो एक्सेप्ट करें या ना करें। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको वाई टाइप करना है और नो के लिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो एन टाइप करें। तो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसलिए हम वाई टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है पासवर्ड मांग रहा है, तो अभी जो हमने अपना कंपनी जो क्रिएट की है टैली में, उसमें हमने अपना सिक्योरिटी कंट्रोल में अपना पासवर्ड डाला था, तो उसी पासवर्ड को हमें यहाँ पर डालना है। जैसे हमने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल सा हमने पासवर्ड डाला था। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारी जो है कंपनी क्रिएट हो चुकी है और नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अभी दोस्तों मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी कंपनी क्रिएट होती है और ये पेज डायरेक्टली ओपन हो जाता है, अब हमें कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो, आप चाहें तो इस पर माउस का यूज़ कर सकते हैं या आप शॉर्टकट का यूज़ करना चाहें तो ऑल्ट F3 का यूज़ करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है क्रिएट कंपनी, इसमें जो है आप इस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें या शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो C को प्रेस करें। उसके बाद अगेन आपका वही फॉर्म खुल के आ जाएगा और मैं इस बार ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपली एक फॉर्म बना देता हूँ और मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इस बार नहीं बताऊँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये विद इन अ सेकेंड में मैंने ये कंपनी जो है जनरेट कर दी है, अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम अपनी जो है कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टैली में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।